शोएब अख्तर, डेल स्टेन, शॉन टेट, ये ऐसे नाम हैं जिनकी बॉलिंग से हर बल्लेबाज कांपता था। फास्ट बॉलिंग अपने आप में एक कला है, लेकिन ये डरावनी है जो सामने खड़े बल्लेबाज में खौफ पैदा कर दे। 90 के दौर में अगर आप बड़े हो रहे होंगे और क्रिकेट के शौकीन होंगे तो इस बात का मलाल ज़रूर होता होगा कि टीम इंडिया के पास ऐसा कोई फास्ट बॉलर नहीं था जो सामने वाली टीम को डरा सके। अगर कोई आता भी था तो वो कुछ एक मैच में ही चमक कर लौट जाता था। लेकिन समय बदला और माहौल भी बदल गया और फिर IPL आया। यहाँ भारतीय तेज गेंदबाजों की एक नई खान बन गई और ऐसे ही एक के बाद एक फास्ट बॉलर आने लगे जिसका किस्सा हम आपको यहाँ पर सुनाने वाले हैं। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कहानियों में आज बात उमरान मलिक की करते हैं जो IPL के एक सीज़न में इतना छाए और उन्होंने इतना कहर बरपाया कि पूरी दुनिया में हल्ला मच गया। जम्मू में तवी नदी के किनारे एक कस्बा है जिसका नाम गुज्जर नगर है। यहाँ से ही इमरान मलिक, जिन्हें दुनिया उमरान मलिक के नाम से जानती है, वो निकले। पिता की फल सब्जी की दुकान है। बेटा बचपन से ही इंडिया के लिए खेलने वाला प्लेयर बनना चाहता था। पूरे दिन सिर्फ एक ही काम करता था, बॉलिंग बॉलिंग और सिर्फ बॉलिंग। बॉलिंग करने का यही जुनून उमरान को क्रिकेट के मैदान तक ले आया और फिर इसी जुनून को साल 2022 में पूरी दुनिया ने देखा। क्रिकेट की कहानियों के पिछले कई एपिसोड में हमने आपको बताया है कि कैसे IPL ने लोगों की किस्मत बदल दी, कैसे IPL एक गरीब लड़के को अमीर क्रिकेटर बना देता है और रातों रात शोहरत पकड़ा देता है। उमरान मलिक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्रिकेट की इस छोटी सी दुनिया में जब उमरान मलिक ने अपनी तेज रफ्तार की वजह से नाम बनाना शुरू किया तो IPL की सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें लपक लिया। शुरुआत में वो टीम के साथ रहे, मौका नहीं मिला, लेकिन हर किसी को मालूम चल गया था कि जम्मू से एक लड़का आया है जो गोली की रफ्तार से बॉलिंग करता है। साल 2021 में उमरान को पहली बार IPL में मौका मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने अपना पहला मैच खेला लेकिन उनको कोई भी विकेट नहीं मिला। इस सीज़न में उमरान को सिर्फ दो ही मैच खेलने को मिले थे लेकिन इसके अगले सीज़न में हल्ला हो गया। उमरान मलिक ने इस सीज़न में 14 मैच में कुल 22 विकेट निकाल लिए। विकेट लेने से ज़्यादा उमरान मलिक की बॉलिंग का हल्ला था। जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे और जिस रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे वो हर दिन वेबसाइट या अखबारों की हेडलाइन बन रही थी। IPL वो मंच है जहाँ क्रिकेटर से लेकर कमेंटेटर, एक्सपर्ट तक दुनिया के कोने कोने से आते हैं। ऐसे में उमरान मलिक जब लगातार 150 की रफ्तार से बॉल फेंक रहे थे तो हर कोई हैरान था क्योंकि किसी ने किसी हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर को ऐसे बॉलिंग करते हुए नहीं देखा था। उमरान मलिक रातों रात स्टार बन गए थे, उनके घर पर भीड़ लगी रहती थी। जम्मू का इमरान अब क्रिकेट वर्ल्ड में छा रहा था। IPL इतिहास में सबसे तेज बॉल फेंकने वाले टॉप 3 बॉलर्स में उमरान मलिक का नाम आता था क्योंकि उन्होंने 157 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल फेंकी थी। लेकिन उमरान मलिक का ये जलवा सिर्फ IPL के 2022 वाले सीजन में ही रहा। इस प्रदर्शन के आधार पर उन्हें टीम इंडिया में जगह मिल गई थी। T20 टीम में वो पहुंच भी गए थे लेकिन वहां पर कुछ बढ़िया कमाल नहीं कर पाए तो वापस लौट आए। इसके बाद IPL के 2023 सीजन में उन्होंने 8 मैच खेले और सिर्फ 5 ही विकेट निकाले और 2024 के सीज़न में जो शुरुआती मैच हुए उनमें से उन्हें कोई मौका ही नहीं मिला। आज उमरान मलिक एक तरह से गुमनाम हो गए हैं। जब अपनी रफ्तार की वजह से उमरान मलिक धमाल मचा रहे थे तब भी एक्सपर्ट उन्हें यही सलाह दे रहे थे कि उन्हें कुछ बदलाव करने होंगे, अभी और तपना होगा। उम्मीद है कि फिर से उमरान मलिक वैसा ही जलवा दिखा पाएंगे और फिर से अपनी रफ्तार का जादू भी दिखा पाएंगे। क्रिकेट से जुड़े इस किस्से में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।